साथ फोन लाइन पे हैं। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं है, निधन हो चुका है उनका। जेटली विद्यार्थी जीवन से हमारी विचारधारा के साथ जुड़े और यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बने और मैं भी उस समय विद्यार्थी परिषद में काम करता था जी। मैंने उनको उदयपुर बुलाया था और ऐसा प्रखर वक्ता जिसने यूनिवर्सिटी के शुद्ध छात्र समुदाय को जिस ढंग से प्रभावित किया, उसके बाद राजनीति में इतनी सुचिता के साथ राजनीति करना, इतने ऊंचे पदों पर रहने के बाद भी सामान्य कार्यकर्ता को वही प्यार देना, सोराबुद्दीन के केस में मेरे पर जिस प्रकार लगा था उस समय एक तरह से उन्होंने अपने से बड़ा होकर के जिस प्रकार की राय देकर के जिस प्रकार से एडवोकेट से मुंबई में मेरा परिचय कराया और मेरे केस को एक तरह से पूरा उन्होंने हैंडल किया, तो एक कार्यकर्ता की छोटे से छोटे काम के लिए जिस ढंग से मदद की और पार्टी का तो एक ऐसा प्रमुख प्रखर वक्ता था जिनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर पूरा कंट्रोल था, बिल्कुल बिल्कुल, और विचारधारा के साथ जुड़ करके उसने इस पार्टी के लिए काम किया, आज हमको बहुत बड़ी क्षति हुई है। सर चूंकि आपने भाषा का जिक्र किया तो कई दफा ऐसा होता था जब मीडिया को ब्रीफ करना हो या किसी बड़े मामले पे जवाब देना हो तो अरुण जेटली को सामने किया जाता था। निश्चित रूप से उनका जिस प्रकार का वे ऑफ पुटिंग था, जिस प्रकार का नॉलेज था, हर विषय को अपडेट उनके पास सूचना रहती थी, लेटेस्ट क्या किसी जगह घटना हुई है उससे तुरंत उनको समाचार और उसकी जानकारी होती थी और जितना क्विक एक्शन और रिएक्शन कोई दे सकता है हमारी पार्टी में उसमें अरुण जेटली का नाम नंबर वन पे आता। सर आपका कोई निजी अनुभव उनके साथ? मेरा तो कई बार, मैं एज ए प्रतिपक्ष का नेता जब बना था बैरू सिंह जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद मेरे चुनाव के लिए वही आए थे, पार्टी के विभिन्न फोरम पे मैं उनके साथ बराबर एक तरह से साथ रहा हूँ। और दूसरा मेरी ऐसी मान्यता है कि राजनीति में इस पद पे रहते हुए जो उन्होंने ये जो जीएसटी को जो लागू किया जो सबसे कठिन काम था जी। उसको भी उन्होंने सफलतापूर्वक और जीएसटी कमेटी ऐसी बनाई जिसमें सबकी सर्वसम्मति से परिवर्तन किया, ये पहली बार मैंने किसी राजनीतिक जीवन में देखा है कि सबकी सहमति से हुआ, कोई पक्ष विपक्ष नहीं हुआ। सर मेरे जहन में एक सवाल ये भी है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े मामले जब सामने आए तो लगा कि यहाँ पे विपक्षी खेमा भी और शायद पब्लिक के जहन में भी बहुत कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन ये बहुत हद तक साफ हो पाया अरुण जेटली की वजह से कि बहुत परेशानियां नहीं हो पाई। इस विषय को जिस ढंग से और जिस समझ के साथ सुलझाने का प्रयास किया देश ने इसको माना और जीएसटी जैसा कानून बनाना यह असंभव लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार करते करते व्यापारियों को भी और उद्योग में काम करने वाले लोगों को भी और टैक्स चुकाने वाले लोगों को भी जिस तरह से जोड़ा और हिंदुस्तान की आमदनी को जो आश्चर्यजनक बढ़ाया, मतलब आपने देखा होगा 15-16 में हमारी टोटल आमदनी 6 लाख। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि जब इन्होंने मंत्री बनने से इनकार किया दूसरे कार्यकाल के दौरान, पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनके घर पर जाकर बकायदा उन्हें उनसे